आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2.1, 2.2, 2.3 एंड आई गिव सम क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है, दैट इज द इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. व्हाटएवर द टाइप डाउट यू हैव फेस्ड इन द इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो और डायरेक्टली मैसेज टू मी. टूडे वी केम अप विद द नेम एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 2, दैट इज द रिलेशन एंड फंक्शन. विच एक्सरसाइज लेफ्ट इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज. तो आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उसके पूरी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं. तो टोटल अपन देखेंगे तो 10 टू 12 क्वेश्चंस हैं एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू ऑल. ओके, ताकि ये चैप्टर जो है अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सके. इस चैप्टर में इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर जो है अपना पूरी तरीके से थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली कंप्लीट हो जाएगा. तो आज की डेट में हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज चैप्टर 2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 2. तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन दैट. बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज वन टॉपिक दैट आई लेफ्ट आउट एंड दैट इज द ऑपरेशंस ऑन द फंक्शंस. ठीक है, सो व्हाट विल द हेडिंग, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस. Algebra of real function. Algebra means addition, subtraction, multiplication and division. So let's say two function b, fx and gx. Fx or gx two function hai. Then the first thing is simple, addition of two functions. So f plus g of x is nothing but fx plus gx. In the same way, subtraction of two functions, that is f minus g of x, that is nothing but fx minus gx. In the same way, the third क्या हो जाएगा, product of two functions f into g of x is nothing but fx into gx. The last one, that is the fourth one, is the division of two function, is division of two functions. तो ये क्या बोलेगा, f upon gx is nothing but fx divided by gx with gx not equal to 0. क्योंकि डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए. तो एडिशन ऑफ टू फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, f plus g of x, और इसको लिखा क्या जाएगा, fx plus gx. f minus g of x कैसे लिखेंगे, fx minus gx. प्रोडक्ट लेना है f into gx, तो क्या लिखेंगे, fx into gx. डिवीजन करना है तो f by gx, तो क्या लिखेंगे, fx upon gx. क्लियर है. अगर मैं इसी पे कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट से fx is equal to x square and gx is equal to 2x minus 3. 2x minus 3 and the first part, that is f of gx. तो ये क्या हो जाएगा, fx plus gx. कितनी हो जाएगी वैल्यू, x square plus 2x minus 3. Second one, f minus g of x की बात करें तो it will convert to fx minus gx. fx की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है अपने पास, fx की वैल्यू है x square और gx की वैल्यू है 2x minus 3, that is x square minus 2x plus 3. कोई दिक्कत नहीं होगी. थर्ड में अगर जाएं और प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, f into g of x, तो क्या लिखेंगे, fx into gx. fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, x square, gx कितना है 2x minus 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x cube minus 3x square. और फोर्थ में जाएंगे तो वहां पे आएगा f by gx, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और लास्ट में डिवीजन. तो डिवीजन में क्या आ जाएगा बेटा, fx डिवाइडेड बाय g
जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x-3। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन दिया हो, अगर हमें उसका एडिशन करना है तो सिंपली उन दोनों को प्लस के साइन लगा दो, सबट्रैक्ट करना है जस्ट पुट माइनस साइन इन बिटवीन, मल्टीप्लाई करना है दैट मींस मल्टीप्लाई fx * gx, नॉट माइनस, fx * gx मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर * 2x, 2x क्यूब 3 * x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और डिवाइड करना है तो fx / gx दैट इज x स्क्वायर / 2x - 3। यहां पे प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सबट्रैक्शन का आंसर ये आ गया, एडिशन का आंसर ये आ गया। तो अलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शन में टोटल चार चीजें आती हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन दैट इज द प्रोडक्ट, ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। जब हम लोग जेई की बात करेंगे तो वहां पे भी ये सारी चीजें आएंगी, थोड़ा सा उसमें और डीप में जाना पड़ेगा, फंक्शंस जो है थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, कंसेप्ट यही रहेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ही कंसेप्ट वहां पे भी आएंगे। तो ये एक दो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट हो डायरेक्टली पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। देख लीजिए, नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग, दे आर सेइंग दे गिव अस टू फंक्शन, द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, एफ एक्स इज गिवन एज, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर एंड 3x, 0x लेस देन 3, 3x less than 10, and the second function that is gx, gx is given as again the same thing, x square 3x, 0x less than 2, 2x less than 10। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया, हमें यहाँ पे ये बताना है कि fx और gx में कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया कि प्रूव दैट fx इज अ फंक्शन एंड gx इज नॉट ए फंक्शन, तो हम कैसे दिखाएं कि कोई चीज फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या होती थी, ईच एंड एवरी इनपुट हैज अ यूनिक आउटपुट, एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो इस तरीके जब फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, अभी तक हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, fx is equal to 2x plus 3 पढ़ा, fx is equal to x square पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या ना दोनों फंक्शन आ रहे हैं ऐसे, तो इस फंक्शन को बोलते हैं पीसवाइज, पीस मतलब टुकड़ा, पीसवाइज डेफिनेशन बोलते हैं कि उसको अलग-अलग सेगमेंट में लिखा गया है। The function behavior between 0 to 3 is something else, the function behavior between 3 to 10 is something different. जैसे आप लोगों की study की tendency है, suppose के morning 8 to 1 अगर हम school में है तो वहाँ पे learning tendency अलग होती है, afternoon अगर हम 3 to 6 classes पे आ रहे हैं, institute पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी learning tendency अलग होती है, function आप ही रहेंगे, you being the function, but during the time duration, your efficiency will be different. तो वही चीज है यहाँ पे, फंक्शन 0 से 3 में x स्क्वायर देगा, 3 टू 10 के बीच में 3x देगा, gx भी यही बोल रहा है कि I will give x स्क्वायर 3x, both the things, but we will give x स्क्वायर when x belongs to 0 to 2 and will give 3x when x is between 2 to 10। ठीक है, तो फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है वो चीज हमें हाईलाइट करनी होगी, where the function is, फंक्शन जो है 3 पे ब्रेक हो रहा है, तो 3 इज द क्रिटिकल पॉइंट, हमें जो चीजों को ऑब्जर्व करना है वो 3 पे करना है। इन द सेम वे ये कहां पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, तो 2 पे ब्रेक हो रहा है तो हमें जो भी चीज चेक करनी है वो कहां पे करनी है, 2 पर करनी है। नाउ टू चेक द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो एफ एक्स क्या बोल रहा है, एक तरीके से एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है,
f of 3 क्या दे रहा है 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड सेकंड जो इसका पीस बन रहा है वहां पे fx की वैल्यू क्या है 3x है तो अगर इस फंक्शन में x की 3 डालेंगे तो ये क्या देगा 3 × 3 दैट इज 9 दैट मींस 3 इनपुट डालने पे आउटपुट 9 आ रहा है तो ये फंक्शन होगा यहां पे भी पहले देखते हैं फिर दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो और अच्छे से लगेगा Now, to check the value of gx at x is equal to 2 पे चेक करेंगे क्योंकि ये कहां ब्रेक हो रहा है 2 पे ब्रेक हो रहा है तो फर्स्ट gx क्या देगा x square तो यहां से अगर अपन g2 निकालेंगे तो क्या देगा 2 square that is 4 और सेकंड पीस वाइज डेफिनेशन के पास जाएंगे तो उसका नाम क्या रखा हुआ है 3x रखा हुआ है इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 2 दैट इज 6 गेटिंग माय पॉइंट और नॉट g2 4 g2 6 सो दिस इज द काइंड ऑफ द सीन वी आर गेटिंग इनपुट 2 आउटपुट 4 एंड 6 वन इनपुट प्रोवाइड टू आउटपुट सिंस Input 2 has not a unique output, hence it is not a function but only relation. Relation to har koi hota hai, but a function nahi, not a function, only a relation. Clear hai baat itni? यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या बोल रहा है इनपुट 3 हैज यूनिक आउटपुट हेंस इट इज अ फंक्शन इसलिए ये क्या हो जाएगा फंक्शन तो fx फंक्शन है gx फंक्शन नहीं है दोनों का नाम वही था x square 3x बट इसका ब्रेकेज कहां पे हुआ 3 पे इसका ब्रेकेज कहां पे हुआ 2 पे अब इसको मैं इतना करने को जाएगा एमसीक्यू में तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूं 3 इसमें डाला तो क्या मिला 9 3 इसमें डाला तो क्या मिला 9 दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन है दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन है यहां पे चलते हैं 2 इसमें डाला तो 4 2 इसमें डाला तो 6 दोनों इक्वल नहीं है दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन नहीं क्लियर हो गई बात तो दोनों तरीकों से हम ये चीजें कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि वेदर द गिवन थिंग इज रिलेशन और अ फंक्शन तो हमें पता चला कि यहां पे डाले तो दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है तो ये क्या हो गया फंक्शन यहां पे दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है तो ये क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा तो fx इज अ फंक्शन एंड gx इज अ रिलेशन क्लियर है बात नाउ क्वेश्चन नंबर 2 fx is given as x square and we have to find the value of f of 1.1 minus f1 divided by 1.1 minus 1 ठीक है तो इसके आंसर पे देखेंगे तो किसकी वैल्यू निकालनी है f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1 बस प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है fx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर तो x की जगह जो चीज डालेंगे उसी का स्क्वायर निकलेगा तो यहां पे मैंने इनपुट क्या डाला 1.1 तो क्या मिलेगा 1.1 का स्क्वायर 1 डाला तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर और यहां पे 1.1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 0.1 तो ये हो गया 1.21 ये हो गया 1 ये हो गया 0.1 तो 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1 आंसर कितना आ जाएगा 2.1 विल बी आवर आंसर यस और नो ये अपना आंसर है कुछ किया नहीं किया fx वाज गिवन एज x स्क्वायर x की जगह हमने क्या डाल दिया 1.1 तो 1.1 डाला तो क्या मिलेगा 1.1 का स्क्वायर x की जगह 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 1.21 माइनस 1 0.21 इधर 1.1 में से 1 माइनस किया क्लियर है एक बार नोट डाउन करिए
नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव. तो पहले थर्ड देखते हैं. थर्ड में बोल रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ. फोर्थ में भी डोमेन और रेंज की बात किया है, उसके आगे भी जो बात हुई है डोमेन और रेंज की ही बात हुई है. डोमेन क्या होता है? ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, जो जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं. रेंज क्या होता है? जो जो आउटपुट्स आ रहा है. डोमेन क्या होता है? जो जो इनपुट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं. और रेंज क्या होता है? जो जो आउटपुट हमें मिल रहा है. तो जैसे अगर फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री, एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व. हमें बताना है डोमेन और रेंज. इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है. कैसे काम करें, कैसे काम करें. डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब इनपुट. इनपुट में आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. इनपुट में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. हमारी मर्जी, हम फंक्शन में चाहे जो इनपुट दें. देयर इज ओनली टू प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज अगर कोई चीज p अपॉन q के फॉर्म में है तो q जीरो नहीं होना चाहिए. सेकेंड थिंग, अगर अंडर रूट में कोई चीज p है तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दैट इज जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए. इसके अलावा मैथमेटिक्स में और कोई प्रॉब्लम नहीं है. x की वो वैल्यू नहीं डालो जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए. x की वो वैल्यू नहीं डालो जिससे अंडर रूट में नेगेटिव हो जाए. अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं अलाउड है और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं अलाउड है. डिवाइडेड बाई जीरो इज अ सिन इन द मैथमेटिक्स. तो हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं. टाइमिंग जब रियल नंबर्स की बात हो रही है, आगे चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें हम लोग डाल सकेंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं पॉसिबल. क्लियर इतनी बात? ठीक है. तो सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे. तो फॉर डोमेन डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व नॉट इक्वल टू जीरो. दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व नॉट इक्वल टू जीरो. एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस सिक्स माइनस टू ब्रैकेट एक्स माइनस सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो. दैट इज एक्स माइनस सिक्स वन ब्रैकेट एक्स माइनस टू सेकेंड ब्रैकेट नॉट इक्वल टू जीरो. दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू टू एंड एक्स नॉट इक्वल टू सिक्स. तो डोमेन इसकी क्या हो गई? सभी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है उसमें टू और सिक्स को हटा दो. दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, उसमें से दो एलिमेंट टू एंड सिक्स को रिमूव कर दिया तो यही अपनी डोमेन हो गई. या तो ऑल रियल नंबर माइनस टू कॉमा सिक्स, ये हमारा क्या मिल जाएगा? डोमेन. डोमेन आ गया तो फिर इसका रेंज भी निकालना पड़ेगा कि इस फंक्शन का रेंज क्या है. रेंज मतलब इसका आउटपुट क्या क्या आ सकता है. अब इस तरीके के फंक्शन की रेंज निकालने की कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है. एक टेक्निक मैं आपको करके दिखाता हूं, वो देखते हैं, फिर दूसरी भी देखेंगे. जैसे फॉर रेंज, रेंज के लिए क्या है, इसको y मान लेते हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई एट एक्स वाई ट्वेल्व वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. साइड शिफ्टिंग करेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो. समझ में आ रहा है क्या किया? जो एफ एक्स है एफ एक्स को वाई एज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइड शिफ्टिंग किया, तो ये हो गया x स्क्वायर कॉमन y माइनस वन माइनस एक्स कॉमन एट वाई प्लस टू प्लस ट्वेल्व वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो. अब ये क्या है लिखते हैं. दिस इज क्वाड्रेटिक इन x फॉर, क्वेश्चन में बोला गया रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए. तो बी क्या है? एट वाई
प्लस टू माइनस फोर ए क्या है, y माइनस वन सी क्या है, 12y माइनस वन जीरो से बड़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 64y स्क्वायर प्लस फोर प्लस 32y माइनस 448 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चलो एक बार लिख देता हूं y इंटू 12y 12y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 64y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 32y माइनस 48y स्क्वायर 34 जब 52y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों को मिलाएंगे तो आएगा 100y स्क्वायर 32 प्लस 20y माइनस 8 इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 4 से डिवाइड करेंगे, इनफैक्ट माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो 25y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 क्या किया गया, क्या किया गया ध्यान से देखिएगा एक मिनट। ध्यान से देखिएगा क्या किया गया, यहां से जब मैंने कुछ कॉमन लिया तो इधर जाके जीरो हो जाएगा, लेकिन जब माइनस फोर कॉमन लिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लास्ट को लास्ट लेक्चर में, जब कभी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे, अब इसको अगर ब्रेक करना है तो अपन कर सकते हैं ना, 25y स्क्वायर 25 + 50 माइनस 10y प्लस 5y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 5y कॉमन 5y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ये क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इसका हमेशा नेगेटिव आएगा तो इसका तो पॉसिबल ही नहीं होगा स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट तो ये फोर से डिवाइड किया तो प्लस हो गया तो 25y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 लेस देन 0 है तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी चेक करना पड़ेगा इसको, इसका भी कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac नीचे है ऑलवेज नेगेटिव नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं होगा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी नो रियल वैल्यू ऑफ y Hold on. x square plus 2x plus 1 x square minus 8x minus इधर आया फिर इधर 1 2 3 4 minus हो गए 4 minus दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 कुछ calculation में गड़बड़ हुआ है let me check it out just open this b square x square by 8xy plus 12y x square plus 2x plus 1 x square minus 8xy minus 12y minus 1 x square common y minus 1 minus x common 8y plus 2 plus 12y minus 1 this is quadratic in x to b square minus 4ac minus times 8y plus 2 minus 4y minus 1 12y minus 1 minus 8 plus b square a square plus b square plus 2ab minus 4 12y square minus 12y minus y minus minus plus 1 ठीक है तो minus 64y minus 4 minus 32y 48y square plus 52y 34 जब 52 minus 4 तो minus 100y square plus 20y minus 8 25 4 common लिया तो 25 5 2 50 105 10 and 5 पर यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। Something calculation error is there or writing of the question. Question में या तो लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया है या फिर कहीं calculation error है। In the case if it were minus 2, just in case मैं बता रहा हूँ करना क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5y common, 25y square minus 10y plus 5y minus 2 less than equal to 0 5y common 5y minus 2 plus 1 common 5y minus 2 less than equal to 0 that is 5y minus 2 and 5y plus 1 less than equal to 0
तो क्या होगा, दो वैल्यू आएगी, एक -1/5 और एक आएगी 2/5। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में आनी चाहिए, लेकिन -1/5 से 2/5 के बीच में आएगी। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी फिलहाल अपन डोमेन करते हैं, क्योंकि शायद क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या मेरी कैलकुलेशन में कुछ एरर है। आई विल चेक इट आउट एंड विल गेट बैक टू यू। ठीक है, अगर ये सेम क्वेश्चन है देन द आंसर विल -1/5, 2/5। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। प्रोसीजर यही है, स्टेप यही है, यही करना है तुमको, नथिंग एल्स नथिंग मोर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो सबसे पहली चीज डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालने के लिए क्या बताया गया कि एनीथिंग इनसाइड द अंडर रूट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन। तो डोमेन की वैल्यू क्या आ गई, वन से इंफिनिटी। डोमेन क्या आ गया, वन से इंफिनिटी। डोमेन क्या आ गया, वन से इंफिनिटी। ये बात समझ में, कोई भी चीज अगर अंडर रूट में है, एनीथिंग इनसाइड द अंडर रूट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एनीथिंग इनसाइड द अंडर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। वन को इससे एक्सेप्ट किया तो एक्स की वैल्यू वन से बड़ी, एक्स मतलब इनपुट, तो इनपुट क्या है, वन से बड़ा, तो वन से इन्फिनिटी। ठीक है, रियल नंबर में बात हो रहा है इसलिए। यही चीज अगर नेचुरल नंबर में बोलते तो 1, 2, 3, 4, ……. लिखते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अगर इसी की रेंज की बात करें, व्हाट अबाउट द रेंज, तो रेंज अगर अपन देखेंगे तो ये भी क्या है, अंडर रूट, अंडर रूट से बाहर जो भी चीज निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव। द आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, ऑलवेज नॉन निगेटिव। पॉजिटिव तो होता है लेकिन साथ में जीरो भी हो सकता है। अब मैंने पॉजिटिव लिखा तो जीरो वाला मान आ जा सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, नॉन निगेटिव। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। 2 डालेंगे तो 1 मिलेगा इस तरीके से, और इंफिनिटी डालेंगे तो इंफिनिटी मिलेगा। तो रेंज कितनी आ जाएगी, जीरो से इंफिनिटी। बस यही देखना है, कई बार हम गलती क्या करते हैं कि 1 से स्टार्ट करते हैं, जीरो को इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो इंक्लूड होगा। जीरो मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालेंगे, 1 डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, 1 डालेंगे तो जीरो मिलेगा। क्लियर है, तो डोमेन कितनी हो गई, 1 to infinity, और रेंज कितनी हो गई, 0 to infinity। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 5 is saying find the domain and range of fx is equal to mod of x minus 1। Modulus function है, ठीक है, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब रेंज इसकी कितनी हो जाएगी, रेंज इसकी कितनी हो जाएगी, जीरो से इंफिनिटी। बट पहले अपने को किस पे वर्कआउट करना है, डोमेन पे। मैंने लिखवाया था डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज रियल नंबर, ये लिखवाया गया हुआ है। तो ये भी एक तरीके से फाइनली क्या, माइनस वन हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है, मॉड फंक्शन है। तो डोमेन कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, जीरो से इंफिनिटी, क्योंकि जीरो पॉसिबल है। मॉडुलस क्या करता है, वी मेक इवन नेगेटिव टू पॉजिटिव, हम क्या करते हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो की बात नहीं हो रही, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो जीरो से चल के हम कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। जीरो से चल के कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, जीरो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। fx is defined as x comma x square plus 1। fx is equal to x comma x square plus 1 या 1 plus x square। x belongs to R। x क्या है, real number। हमें क्या निकालनी है, इसकी range।
तो एक्स पे ही दिया है हम लोगों ने, मतलब इनपुट तो दिया है, डोमेन इसीलिए पूछे क्योंकि डोमेन आर उन्होंने दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, रेंज एफ एक्स है कितना, ये इनपुट ये आउटपुट, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर ध्यान से सुनना ही है इसमें और समझना भी है, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, जीरो या जीरो से बड़ा, कभी नेगेटिव तो नहीं दे सकता है। तो ऊपर भी क्या है, नॉन नेगेटिव, नीचे भी क्या है, नॉन नेगेटिव। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर नॉन नेगेटिव है तो क्या कम नंबर कभी नेगेटिव मिल सकता है, दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का रेशियो कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। मतलब ये जो नंबर होगा ये नेगेटिव तो नहीं होगा, मतलब एफ एक्स का आउटपुट कभी नेगेटिव तो नहीं आ सकता है। एक्स के लिए तो आप डालो, सपोज को माइनस टू डालोगे तो ये भी पॉजिटिव प्लस वन, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस वन तो पॉजिटिव ही मिलेगा, हाँ या ना। तो पॉजिटिव मिल रहा है, क्या जीरो भी मिल सकता है क्या, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स कितना आएगा, जीरो अपॉन जीरो प्लस वन दैट इज जीरो बाई वन, और जीरो बाई वन कितना, जीरो। एंड फॉर ऑल अदर वैल्यू, फॉर ऑल अदर वैल्यू एफ एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो है और एफ एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, सब जीरो से बड़ी है तो कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, हंड्रेड तक जाएगी, थाउजेंड तक जाएगी, मिलियन तक जाएगी, कहां तक जाएगी, देखिए। Now, what is numerator x square, what is denominator x square plus 1, तो अगर ध्यान देंगे तो numerator is less as compared to denominator, numerator छोटा है। किसी भी चीज का denominator बड़ा हो जाए, किसी भी चीज का, किसी भी fraction का denominator बड़ा हो जाए तो वो number 1 से छोटा होगा। For example, 4 by 5 वन से छोटा, सिक्स बाई सेवन वन से छोटा, सेवन बाई एट वन से छोटा, थ्री बाई फाइव वन से छोटा, 1300 डिवाइडेड बाई 1300 वन से छोटा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, छोटा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब एफ एक्स वन से छोटा होगा। तो इसकी रेंज कितनी आ गई, ध्यान से देखिएगा, तीन चीजें बताई, एक तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, एक इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा आएगी, और तीसरी इसकी वैल्यू वन से कम आएगी। तो जीरो से चलेगा लेकिन वन होने के पहले ही रुक जाएगा, जीरो इंक्लूडेड वन एक्सक्लूडेड, याद आ रहा है ना, ये इंक्लूड हो रहा है और ये एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो रेंज अपना कितना निकल के आया, जीरो टू वन। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एफ एक्स कितना है, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब जब इनपुट एक्स है तो आउटपुट कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। एक्स की वैल्यू जीरो डाल रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो अपॉन जीरो प्लस वन, जीरो बाई वन कितना गया, जीरो। अगर कोई और वैल्यू डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, अभी बताया। x की वैल्यू आप कुछ भी डालेंगे, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर्स का रेशियो हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है, ठीक है। तीसरी चीज ध्यान में आती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा कौन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर। अगर किसी भी नंबर्स में डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो गया तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, वन से छोटा होगा। तो यहाँ पे भी क्या पता चला कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू वन से छोटी, मतलब जीरो से चल के वन से पहले तक, जीरो इंक्लूडेड वन एक्सक्लूडेड, जीरो इंक्लूडेड वन एक्सक्लूडेड, नोट इट डाउन फास्ट। विजिबल तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, साउंड में वही मैं देख रहा हूँ, विजिबल मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, फोर फाइव सिक्स, ये सारे क्वेश्चंस की एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा तो रिवीजन में बहुत बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल अगेन बिकम द डाउट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, द इजी वन। fx is given as x plus 1 and gx is given as 2x minus 3. First, we have to find out f
प्लस जी, इतना ही लिखें या एफ प्लस जी एक्स ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स प्लस जी एक्स। व्हाट इज एफ एक्स, एक्स प्लस वन। व्हाट इज जी एक्स, टू एक्स माइनस थ्री। तो वैल्यू कितनी आ गई, थ्री एक्स माइनस टू। सेकेंड में अगर वर्कआउट करें तो वहां पे क्या है, एफ माइनस जी निकालना है, दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन, और जी एक्स की वैल्यू टू एक्स माइनस थ्री, दैट इज एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, दैट इज माइनस एक्स प्लस टू। तो ये क्या हो गया, एफ माइनस जी। थर्ड जो है, इन्होंने प्रोडक्ट नहीं पूछते, सीधा डिवीजन ही पूछा है। प्रोडक्ट होता तो हम दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते। एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है। इन्होंने यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स पूछा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे भी लिखें चलेगा। फाइनली होगा क्या, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वन। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, टू एक्स माइनस थ्री। दैट मीन्स लिखना पड़ेगा एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, वेयर 2x minus 3 not equal to 0 और x not equal to 3 by 2. x की वैल्यू 3 by 2 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो जहां पे भी हमें डिवीजन करना होगा, जहां पे भी हमें f upon g निकालना होगा या g upon f निकालना होगा, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगी। दैट नॉट इक्वल टू 0, क्लियर हो गई इतनी बार, पक्का है। Now, question number 8. What is that? F is given. Let function is given. What is the given function? 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. And 0, minus 1. Minus 1, minus 3. Okay? This is the function. From z to z, z to z का मतलब क्या हुआ? Integer to integer, मतलब input भी integer है और output भी integer ही आएगा। और function का नाम जो बताया जा रहा है, that is fx is equal to ax plus b. तो find a and b, a और b की value निकाल के हमें फिर बताना। फंक्शन डिफाइन कैसा, 1, 1, मतलब 1 जो है इनपुट है, 1 आउटपुट है, 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है, 0 इनपुट है, -1 आउटपुट है, -1 इनपुट है, -3 आउटपुट है। ध्यान से देखिए आंसर के लिए, fx दिया हुआ है ax plus b, f ऑफ 1 डालेंगे मतलब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो a into 1 plus b, और 1 डालने पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 a plus b, that is a plus b is equal to 1, that is our equation 1. फिर से समझाता हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, fx is equal to ax plus b है, x की value 1 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, function के हिसाब से a into 1 plus b, a into 1 plus b, लेकिन 1 डालने के output क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो f1 की value 1, मतलब a plus b की value 1, a plus b कितना क्या, 1. Similarly, f of 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, a 2 plus b, और f of 2 की वैल्यू कितनी, 3, 2a plus b, that is 2a plus b is equal to 3, equation 2, दोनों equation को solve करना है, ठीक है ना, from equation 1 and 2, elimination method से मैं solve कर देता हूँ, 2a plus b is equal to 3, a plus b is equal to 1, minus minus minus, cancel out, 2a में से a minus हुआ, कितना बचा a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 minus 1, 2, from equation 1, क्या लिखा हुआ है, a plus b is equal to 1, 2 plus b is equal to 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, minus 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, minus 1, तो a की वैल्यू minus 2, b की वैल्यू 1, तो सर ये क्यों दिया था, चार दिए थे, कोई भी दो यूज करके निकालो, मैंने इन दोनों को यूज किया ना, आप चाहो तो इन दोनों को यूज करो तो भी वही आंसर आएगा, इन दोनों को यूज करो तो भी वही आंसर, कोई भी दो को यूज, दो वेरिएबल है, ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है,
दो लोगों की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी दो को यूज करेंगे आंसर सेम आएगा, ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू माइनस। मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को लिया है, आप लोग थर्ड और फोर्थ लेके सॉल्व करो, सेकंड और फोर्थ लेके सॉल्व करो, फर्स्ट और फोर्थ लेके सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। वेरीफाई करके देख लिए, कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट आपको कोई दूसरा लेके सॉल्व करना है, ये मत कॉपी करना प्लीज, ठीक है, आंसर सेम आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर, इतना रैप कर दो। ओके, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो नहीं, ठीक है, आसानी है। Now, question number 9, let R be the relation defined from natural number to natural number, मतलब input भी natural number है, output भी natural number आएगा, real number नहीं आ रहे, integer नहीं आ रहे, only natural number, that is 1, 2, 3, 4, 5, dot, 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 ठीक है, function defined कैसे किया गया है, relation, R is equal to A, B, R is equal to A, B, A and B both belongs to natural number such that BA is equal to B square. A क्या है? वो B square के बराबर है। हमें बताना है इसमें से कौन कौन सी वस्तुएं true है। तीन options दिए, तीन option है, तीन question दिए हैं, हमें बताना following or true, which of the following or true। तो इसका आपने मतलब समझ आया है? मैं इस question number 9, A कॉमा B, इनपुट A डालने पे आउटपुट क्या आना है? B आना है। किस तरीके से आना है? कि A और B दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। और A क्या है? B का स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, B स्क्वायर की वैल्यू क्या है? A है। तो B की वैल्यू अंडर रूट A आनी चाहिए, अंडर रूट A आनी चाहिए, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव, मतलब आउटपुट क्या है? अंडर रूट ऑफ A है। मतलब अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इनपुट क्या जाएगा? 1 जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। इनपुट अगर 2 डालेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी? रूट 2 आएगी। रूट 2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इनपुट क्या डालेंगे? 4 डालेंगे। इनपुट क्या डालेंगे? 9 डालेंगे। इनपुट क्या डालेंगे? 16 डालेंगे। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? तभी b का स्क्वायर a के बराबर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। लिखा दूसरे तरीके से, इनपुट ए है लेकिन अगर ध्यान देखोगे तो बी को लेंगे तो ए अच्छे से अपने को ऑब्जर्व हो पाएगा, क्योंकि बी ए इक्वल टू बी स्क्वायर लिखो या बी इक्वल टू रूट ए लिखो, चीज तो बराबर है, हाँ या ना? तो ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल, लेकिन अगर ए की वैल्यू मैंने 2 डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दिया, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो बी की वैल्यू रूट 2 नहीं हो सकती क्योंकि बी भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से हमें ढूंढना पड़ेगा कि a को क्या होना चाहिए, a जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, a क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब a क्या होना चाहिए? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है, ये बात समझ आ गई। रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, फर्स्ट बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a, और a belongs, ध्यान से समझिएगा, हमें बोल रहे a comma a, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है, जितनी भी a दे रहा है, for all, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 4 डाला तो 4 नहीं मिला, 1 पे 1 मिल रहा है, मतलब अगर यही चीज लिखी जाती a comma a belongs to all for some a, for सम ए बिलोंग्स टू, तो हम बोलते हैं हाँ ट्रू है, कुछ के लिए तो है, एक के लिए भी है तो सच है, लेकिन जब इन्होंने बोले फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जितने भी ए हैं सभी के लिए हो रहा है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, सबके लिए नहीं हो रहा है, ये कुछ के लिए हो रहा है, मतलब वन के लिए, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। इसी तरीके से सेकंड के पास जाएंगे, सेकंड में ये बोल रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लॉइज b comma a belongs to, तो ये भी false है, क्यों false है? मैं बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में आप लोग लिखेंगे,
a comma b belongs to r does not implies b comma a belongs to r because 4 comma 2 as लिख सकते हैं 4 comma 2 belongs to r but 2 comma 4 does not belong to r. कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं. यहाँ पे क्या देखा 4 comma 2 तो है लेकिन 2 comma 4 तो नहीं आएगा ना. क्लियर? ठीक है. थर्ड में जाएंगे वहां पे बोल रहे हैं कि a comma b belongs to r b comma c belongs to r then मतलब implies implies a comma c belongs to r. क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये भी फॉल्स है. क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. सपोज करते हैं 4 comma ये कह रहा है 16 comma 4 belongs to r है. ध्यान से देखिए a comma b 4 comma 2 भी belongs to r है. हाँ है ना, देखो ना 16 comma 4 भी है 4 comma 2 भी है. a से b गए b से c गए but 16 comma 2 does not belong to r. ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा tricky question है, समझने में आसान है. क्या हो रहा है? उन्होंने बोल रहे हैं कि a comma b real रिलेशन आर में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन आर में है, तो ए कॉमा सी हमेशा रहेगा क्या आर में? तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि 16 कॉमा 4 है 4 कॉमा 2 है, तो क्या 16 का 2 के साथ रिलेशन है? नहीं है. यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्या है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो क्या 16 2 का स्क्वायर होगा क्या? हम बोलेंगे नहीं. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो तीनों ही रिलेशंस जो हैं, तीनों ही ऑप्शंस क्या हो गए, फॉल्स हो गए. क्लियर है इतनी बात? क्लियर है सबको? ठीक है. टेंथ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों ने कुछ डाउट्स नहीं पूछे, तो मैंने सोचा मैं सारे क्वेश्चंस करा देता हूं. टेंथ बोल रहा है कि a इज अ सेट हैविंग 4 एलिमेंट 1 2 3 एंड 4. ठीक है. B is the set having 6 elements 1, 5, 9, 11, 15, 16. 11, 15 and 16. C is the set. Nein, that's it. F is the function defined. F is the function defined 1, 5, input 1, output 5, 2, 9, 2, 9. 3, 1, 3, 1, 4, 5, 4, 5, and again 2, 11. First question is saying f is a relation from a to b, f is a function from a to b, which is true, justify your answer. ये जो function f है, ये relation है या function है? f जो है a से b में जा रहा है, तो वो relation है या function है? देखिए ध्यान से. मैं इस तरीके से बना दूंगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा. इनपुट में चार लोग, ये सेट ए है. आउटपुट में 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16. फंक्शन जो है या रिलेशन जो एफ है वो ए से मिल जा रहा है. 1 का आउटपुट क्या रहा है, 5, सही है. 2 का आउटपुट क्या रहा है, 9, सही है. 3 का आउटपुट क्या रहा है, 1, सही है. 4 का आउटपुट क्या रहा है, 5 है, वो 15 होगा. लेट्स से 4 का भी 5 ही अगर लिखा है तो ठीक है, 4 का भी 5 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ना यहां तक होता, अगर ये एलिमेंट नहीं होता तो दिस इज अ फंक्शन. अब प्रॉब्लम क्या है, 2 से 11 जा रहा है, 2 से 11 जा रहा है, तो इनपुट 2 हैज नॉट अ यूनिक आउटपुट, हेंस it is not a function but a relation. relation तो हर कोई रहेगा, relation तो होना ही है. तो first बोला f is a relation from a to b, true. second f is a function from a to b, false. why false? because input 2 correspond to 2 different outputs, input number 2 correspond to 2 different outputs, so it is not a function. clear हो गया? क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो इमीडिएटली पूछिए.
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 10 हो गया 11 एंड देन 12 ओके व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉरी 11 लेट f इज सबसेट ऑफ z क्रॉस z z क्रॉस z क्या है इंटीजर क्रॉस इंटीजर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर क्रॉस इंटीजर उसका कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है f हमें बताया गया कि f की डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखी थी क्वेश्चन नंबर 11 में f is equal to a b comma a plus b a and b both belongs to integer is f a function a and b both are integer ठीक है f function है कि नहीं is f is function देखते दो लोग हैं a और b इनपुट क्या डालना है a into b आउटपुट क्या आना है a plus b और हमें पता है कि अगर एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंगली दो आउटपुट आ गए तो वो फंक्शन नहीं है देख लेते हैं सपोज करते हैं a की वैल्यू 1 ले लेते हैं और b की वैल्यू कुछ भी ले लो ये फंक्शन नहीं अगर सपोज करो a टू 4 तो 1 प्लस 3 भी हो सकता है a इक्वल टू 2 नहीं ऐसे नहीं चलेगा f जो है a इनटू b है और उसका आउटपुट क्या है a प्लस b तो ये फंक्शन है कि नहीं है मतलब दो नंबर्स a और b इंटीजर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट a b है और उनका आउटपुट a plus b है मतलब यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो a b है और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो a plus b है ठीक है सपोज करते हैं कि मैंने ले लिया दो लोगों का प्रोडक्ट लेना है दो लोगों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है अगर पेन ले लिया दो लोगों का प्रोडक्ट कुछ भी ले लो पेन तो लोगे अगर सपोज करो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 तो प्रोडक्ट 3 ले लिया मैंने ठीक है प्रोडक्ट क्या हो गया 3 हो गया तो आउटपुट क्या आएगा ए प्लस बी के हिसाब से 4 आए हाय क्या कुछ और आउटपुट भी आ सकता है क्या कुछ और आउटपुट भी आ सकता है क्या तो अपन देखेंगे तो 2 प्लस 2 भी आ सकता है लेकिन ध्यान ये देना है कि जो a b है उसी के करेस्पॉन्डिंग a प्लस b आना है वैल्यूज नहीं बदलनी है a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 तो प्रोडक्ट 3 प्लस इतना ठीक है अब यहीं पे अपन देखेंगे इसके लिए तो सही है अगर मैंने a की वैल्यू 1 डाल दिया b की वैल्यू 4 डाल दिया ध्यान से देखिएगा a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 4 तो कितना मिलेगा 4 और इसके करेस्पॉन्डिंगली क्या मिलेगा 4 प्लस 1 5 अगर मैंने a की वैल्यू 2 डाल दी b की वैल्यू 2 डाल दी तो भी मुझे क्या मिलेगा 4 और इसके करेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा 4 बात समझ में आई एक इनपुट से दो आउटपुट तो फंक्शन तो नहीं है लेकिन ये समझना पड़ेगा अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि दो लोगों का प्रोडक्ट 4 हो रहा है तो क्या उनका सम हमेशा फिक्स रहेगा नहीं अगर मैंने 1 * 4 किया तो कितना मिला 1 प्लस 4 5 अगर मैंने 2 इंटू 2 किया तो कितना मिला 5 और भी कर सकता हूं मैं a की वैल्यू -2 b की वैल्यू -2 तो भी प्रोडक्ट कितना 4 और लेकिन इन दोनों का सम कितना -4 और भी कर सकता हूं मैं a की वैल्यू -1 b की वैल्यू -4 प्रोडक्ट कितना 4 आउटपुट कितना -5 ये बात समझ में आ रही है तो सिंस 1 input provides many several outputs hence it is not a function ये function 4 का product 4 product कई तरीके से हो सकता है 1 2 3 और भी हो सकता है इसको 4 लिखो इसको 1 लिखो -4 -1 तो इस तरीके से दो भी मिल गया एक से ज्यादा मिल गए तो वो फंक्शन तो नहीं है
यहाँ पे तो मैंने चार ऑप्शन आपको करके दिखा दिए, एक से ज्यादा मिल गए तो फंक्शन नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर मैं एक और एग्जांपल बस आपको समझाने के लिए करूँ, तो 6 कैसे बन सकता है 2 इंटू 3 से, मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 लिया, तो a भी इतना होगा और a प्लस b कितना हो 5, लेकिन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 लेंगे तो भी प्रोडक्ट 6 रहेगा, लेकिन सम कितना हो गया 7, a की वैल्यू -2 लिया, b की वैल्यू -3 लिया तो भी प्रोडक्ट 6, लेकिन सम कितना हो गया -5। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, बस वन इनपुट के करस्पोंडिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहे, तो ये फंक्शन नहीं है, यही चीज लिखेंगे। क्लियर हो गई बात, यही एग्जांपल यही इंग्लिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर आल्सो। a is given as 9 10 11 12 13 a is given as 9 10 11 12 13 anything else? No. Let f is defined from, f is a function, input a है और output क्या है, natural number है, a to n, defined as fn is highest prime factor of n, ठीक है, fn क्या है, highest prime factor of n, मतलब जो डालेंगे n तो उसका output क्या निकलेगा, उसका highest prime factor, तो अपने पास n की value क्या था, 9, 10, 11, 12, 13, चलो एक बार ऐसे मैं समझाता हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 9 अगर डालेंगे तो 9 के factor क्या होते हैं, 1, 3 और 9, समझते जाइएगा, मैं लिखना है तो एक बार लिख देता हूँ, factor of 9 is 1, 3, 9, तो इसमें से prime factor क्या हो गया, 3, खत्म हुआ। फैक्टर ऑफ 10, 10 के क्या फैक्टर होंगे, 1, 2, 5, 10, तो इसमें प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 और 5, तो हाईएस्ट प्राइम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। फैक्टर ऑफ 11, 11 का फैक्टर क्या आएगा, 1 और 11, तो इसमें प्राइम कितना हो गया, 11 ही है, तो हाईएस्ट भी क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। अगर इसी तरीके से मैं लिखूं फैक्टर ऑफ 12, तो ढेर सारे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12, इसमें प्राइम कौन है, 2 और 3, तो हाईएस्ट प्राइम क्या निकलेगा, 3। क्लियर है, उसी तरीके से देखेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टर ऑफ 13 क्या रहेगा, 1 और 13, तो इसमें प्राइम क्या है, 13, और वही हाईएस्ट प्राइम है, मतलब 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या निकल के आएगा, 3, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 निकल के आएगा। तो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंगली एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन तो है, और अगर ये इसका क्या हो गया, ग्राफिकल फॉर्म हो गया, अगर इसी को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 9, 3, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 है, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ये ग्राफिकल फॉर्म हो गया, डेफिनेशन तो इन्होंने खुद ही लिख के दिया था कि fn इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो इस तरीके से हम लोगों का आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन इसी चैप्टर के साथ में लेके आऊंगा, उसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ एडिशनल फंक्शंस होंगे जिसपे हम लोग वर्कआउट करेंगे। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए, उसकी क्वेरी भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।